अमृता प्रीतम जी की कहानी, एक जीवी, एक रत्नी, एक सपना। इस कहानी में अमृता जी ने औरत के मन में पनपने वाले एक सपने की व्याख्या की है। वह सपना जो रत्नी के मन में भी था और जीवी के मन में भी। जीवी के सपने का अंत कुछ और ही हुआ और रत्नी के सपने का अंत कुछ और। आइए सुनते हैं एक जीवी, एक रत्नी, एक सपना, अमृता प्रीतम जी की एक अद्भुत रचना। पालक एक आने गट्ठी, टमाटर छह आने रतल और हरी मिर्ची एक आने की ढेरी। पता नहीं तरकारी बेचने वाली स्त्री का मुख कैसा था कि मुझे लगा पालक के पत्तों की सारी कोमलता, टमाटरों का सारा रंग और हरी मिर्चों की सारी खुशबू उसके चेहरे पर फूटी हुई थी। उसका बच्चा उसकी झोली में दूध पी रहा था। एक मुट्ठी में उसने माँ की चोली पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ वह बार बार पालक के पत्तों पर पटकता था। माँ कभी उसका हाथ पीछे हटाती थी और कभी पालक की ठेरी के आगे सरकाती थी, और जब उसे दूसरी तरफ बढ़कर कोई चीज ठीक करनी पड़ती थी तो बच्चे का हाथ फिर पालक के पत्तों पर पड़ जाता था। उस स्त्री ने अपने बच्चे की मुट्ठी खोलकर पालक के पत्तों को छुड़ाते हुए उसे घूर कर देखा और उसके होठों की हंसी उसके चेहरे की सलवटों में से उछलकर बहने लगी। सामने पड़ी हुई तरकारी पर जैसे उसने हंसी छिड़क दी और मुझे लगा ऐसी ताजी सब्जी कभी कहीं नहीं उगी होगी। कई तरकारी बेचने वाले मेरे घर के दरवाजे के सामने से गुजरते थे। कभी देर भी हो जाती पर किसी से तरकारी न खरीद सकती थी। रोज उस स्त्री का चेहरा मुझे बुलाता रहता था। उससे खरीदी हुई तरकारी जब मैं काटती, धोती और पतीले में डालकर पकाने के लिए रखती, सोचती रहती उसका पति कैसा होगा। वह जब अपनी पत्नी को देखता होगा, छूता होगा, तो क्या उसके होठों में पालक का, टमाटर का और हरी मिर्चों का स्वाद सारा खुल जाता होगा। कभी कभी मुझे अपने पर खींच होती कि इस स्त्री का ख्याल किस तरह मेरे पीछे पड़ गया था। इन दिनों मैं एक गुजराती उपन्यास पढ़ रही थी। इस उपन्यास में रोशनी की लकीर जैसी एक लड़की थी, जीवी। एक मर्द उसको देखता है और उसे लगता है कि उसके जीवन की रात में तारों के बीच उग आए हैं। वह हाथ लंबे करता है पर तारे हाथ नहीं आते और वह निराश होकर जीवी से कहता है, तुम मेरे गांव में अपनी जाति के किसी आदमी से ब्याह कर लो, मुझे दूर से सूरत ही दिखती रहेगी। उस दिन का सूरज जब जीवी को देखता है तो वह इस तरह लाल हो जाता है जैसे किसी ने कुंवारी लड़की को छू लिया हो। कहानी के धागे लंबे हो जाते हैं और जीवी के चेहरे पर दुखों की रेखाएं पड़ जाती हैं। इस जीवी का ख्याल भी आजकल मेरे पीछे पड़ा हुआ था पर मुझे खींच नहीं होती थी। वे तो दुखों की रेखाएं थीं, वही रेखाएं जो मेरे गीतों में थीं, और रेखाएं रेखाओं में मिल जाती हैं। पर यह दूसरी जिसके होठों पर हंसी की बूंदें थीं, केसर की तुरियां थीं। दूसरे दिन मैंने अपने पांवों को रोका कि मैं उससे तरकारी खरीदने नहीं जाऊंगी। चौकीदार से कहा कि जब वह तरकारी बेचने वाला आए तो मेरा दरवाजा खटखटाना। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक एक चीज को मैंने हाथ लगाकर देखा, आलू नरम और गड्ढों वाले, फ्रांस बीन जैसी फलियों के दिल सूख रहे हों, पालक
जैसे वह दिन भर की धूल फांक कर बेहद थक गई थी। टमाटर जैसे वे भूख के कारण बिलकते हुए सो गए हों। हरी मिर्चें जैसे किसी ने उनकी सांसों में से खुशबू निकाल ली हो। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और पांव मेरे रोकने पर भी उस तरकारी वाली की ओर चल पड़े। आज उसके पास उसका पति भी था। वह मंडी से तरकारी लेकर आया था और उसके साथ मिलकर तरकारियों को पानी से धोकर अलग कर रहा था। उनके भाव लगा रहा था। उसकी सूरत पहचानी सी थी। इसे मैंने कब देखा था, कहां देखा था? एक नई बात पीछे पड़ गई। बीबी जी आप? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इसे भी नहीं पहचाना? यह रत्नी, मानकू रत्नी। मैंने अपनी स्मृतियों में ढूंढा पर मानकू और रत्नी कहीं मिल नहीं रहे थे। 3 साल हो गए हैं, बल्कि महीना ऊपर हो गया है। एक गांव के पास, क्या नाम था उसका, आपकी मोटर खराब हो गई थी? हाँ, हुई तो थी। और आप वहां से गुजरते हुए एक ट्रक में बैठकर धुलिया आए थे नया टायर खरीदने के लिए? हाँ हाँ। और फिर मेरी स्मृति में मुझे मानकू और रत्नी मिल गए। रत्नी अब अधखिली कली जैसी थी और मानकू उसे पराए पौधे पर से तोड़ लाया था। ट्रक का ड्राइवर मानकू का पुराना मित्र था। उसने रत्नी को लेकर भागने में मानकू की मदद की थी, इसलिए रास्ते में वह मानकू के साथ हंसी मजाक करता रहा। रास्ते के छोटे छोटे गांव में कहीं खरबूजे बिक रहे होते, कहीं ककड़ियां, कहीं तरबूज। और मानकू का मित्र मानकू से ऊंची आवाज में कहता, बड़ी नरम है, ककड़ियां खरीद ले। तरबूज तो सुर्ख लाल है और खरबूजा बिल्कुल मिश्री है। खरीदना नहीं है तो छीन ले, वाह रे राझे। अरे छोड़, मुझे राझा क्यों कहता है? राझा साला आशिक था कि नाई था? हीर की डोली के साथ भैंसे हंसकर चल पड़ा। मैं होता ना कहीं। वाह रो मानकू, तू तो मिर्जा है मिर्जा। मिर्जा तो हूं ही, अगर कहीं साहिबा ने मरवाना दिया हो तो। मैं फिर मानकू अपनी रत्नी को छेड़ता, देख रत्नी साहिबा ना बनना, हीर बनना। वाह रे मानकू, तू मिर्जा और यह हीर, यह भी जोड़ी अच्छी बनी। आगे बैठा ड्राइवर हंसा। इतनी देर में मध्य प्रदेश का नाका गुजर गया और महाराष्ट्र की सीमा आ गई। यहाँ पर हर एक मोटर लॉरी और ट्रक को रोका जाता था। पूरी तलाशी ली जाती थी कि कहीं कोई अफीम, शराब या किसी तरह की कोई और चीज तो नहीं ले जा रहा। उस ट्रक की भी तलाशी ली गई, कुछ ना मिला और ट्रक को आगे जाने के लिए रास्ता दे दिया गया। जो ही ट्रक आगे बढ़ा, मानकू बेतहाशा हंस दिया। साले अफीम खोजते हैं, शराब खोजते हैं, मैं जो नशे की बोतल ले जा रहा हूँ सालों को दिखी ही नहीं। और रत्नी पहले अपने आप में सिकुड़ गई और फिर मन की सारी पत्तियों को खोलकर कहने लगी, देखना कहीं नशे की बोतल तोड़ ना देना, सभी टुकड़े तुम्हारे तलवों में उतर जाएंगे। कहीं डूब मर, मैं तो डूब जाऊंगी, तुम सागर बन जाओ। मैं सुन रही थी, हंस रही थी और फिर एक पीड़ा मेरे मन में आई, हाय री स्त्री, डूबने के लिए भी तैयार है यदि तेरा प्रिय एक सागर हो। फिर धुलिया आ गया, हम ट्रक में से उतर गए और कुछ मिनट तक एक ख्याल मेरे मन को कुरेदता रहा, यह रत्नी एक अतकली कली जैसी लड़की, मानकू इसे पता नहीं कहां से तोड़ लाया है। क्या इस कली को वह अपने जीवन में महकने देगा? यह कली कहीं पांवों में तो नहीं मसल दी जाएगी? पिछले दिनों दिल्ली में एक घटना हुई थी। एक लड़की को एक मास्टर वायलिन सिखाया करता था और फिर दोनों ने सोचा कि वे बंबई भाग जाए, वहां वह गाया करेगी, वह वायलिन बजाया करेगा। रोज जब मास्टर आता
वह लड़की अपना एक आध कपड़ा उसे पकड़ा देती और वह उसे वायलिन के डिब्बे में रखकर ले जाता। इस तरह लगभग महीने भर से उस लड़की ने कई कपड़े मास्टर के घर भेज दिए और फिर जब वह अपने 3 कपड़ों में से घर से निकली, किसी के मन में संदेह की छाया न थी। और फिर उस लड़की का भी वही अंजाम हुआ जो उससे पहले कई और लड़कियों का हो चुका था। उसके बाद कई और लड़कियों का होना था। वह लड़की बंबई पहुंचकर कला की मूर्ति नहीं, कला की कब्र बन गई। और मैं सोच रही थी, यह रत्नी क्या बनेगी। आज 3 वर्ष बाद मैंने रत्नी को देखा। हंसी के पानी से वह तरकारियों को ताजा कर रही थी। पालक 1 आने गट्ठी, टमाटर 6 आने रतल और हरी मिर्चे 1 आने ढेरी। और उसके चेहरे पर पालक की सारी कोमलता, टमाटरों का सारा रंग और हरी मिर्चों की सारी खुशबू बुती हुई थी। जीवी के मुख पर दुखों की रेखाएं थी, वही रेखाएं जो मेरे गीतों में थी, और रेखाएं रेखाओं में मिल गई थी। रत्नी के मुख पर हंसी की बूंद थी। वह हंसी जब सपने उग आए तो ओस की बूंदों की तरह उन पत्तियों पर पड़ जाती हैं और वे सपने मेरे गीतों के दुकांत बनते थे। जो सपना जीवी के मन में था वह सपना रत्नी के मन में था। जीवी का सपना एक उपन्यास के आंसू बन गया और रत्नी का सपना गीतों के दुकांत तोड़कर आज उसकी झोली में दूध पी रहा था। कहानी यहीं पर खत्म होती है। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली कहानी में आपसे जल्दी मिलूंगी।